श्री राम वनगमन पथ काफी यात्रा श्रीलंका से निकलकर गिरियाबंद पहुंची। राम भक्तों ने बैंड बाजे और आतिशबाजी के साथ श्री राम के जयकारे लगाए। काव्य यात्रा का शहरवासियों ने जगह जगह स्वागत किया। नगर भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में राम भक्त काव्य यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान पूरे शहर में श्री रामचंद्र जी की जय के जयकारे गूंजते रहे। यात्रा की शुरुआत 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन श्रीलंका से भगवान श्री राम के चरण पादुका की पूजा अर्चना से हुई। इसके बाद यात्रा रामेश्वरम पहुंची, जहां भगवान श्री राम के रथ के साथ काव्य यात्रा आगे बढ़ी। यात्रा उन सभी रास्ते से गुजरती हुए 11 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेगी, जहां से वनवास के दौरान श्री राम अयोध्या से श्रीलंका पहुंचे थे। यात्रा 41 दिन में देश के 8 राज्यों के प्रमुख 332 स्थानों से होकर गुजरेगी। काव्य यात्रा के गुजरने वाले सभी स्थानों पर धर्म बंधुओं और श्री राम भक्त भव्य स्वागत कर रहे हैं। साथ ही प्रमुख स्थानों में कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है। आज हम गरियाबंद नगर वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सम्माननीय योगेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में काव्य राम पथ गमन की यात्रा का स्वागत करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये बहुत ही हम सब के लिए सुखद पल रहा है और यह यात्रा शिवरात्रि के दिन से श्रीलंका से जो निकली हुई है और श्रीलंका के दिन से निकल करके रामनवमी के पावन पर्व पर अयोध्या में समाप्त होगी। हम बहुत ही उत्साह के साथ पूरे नगरवासी भव्य स्वागत किए हैं। हम सबका सौभाग्य है, यही मैं कहना चाहूँगा। और ये उद्देश्य विश्व शांति के लिए जो निकली यात्रा सभी नगरवासियों के लिए मंगलकारी हो, पूरे नगर के साथ साथ पूरे विश्व के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का मंगलकारी हो, ऐसी मेरी मनोकामना है। संगम द्वारा आयोजित राम वनगमन काव्य यात्रा पूरे भारत में भ्रमण कर रही है। महाशिवरात्रि के दिन 28 फरवरी को श्रीलंका से रामेश्वरम, मदुरई, बेंगलोर होते हुए पूरे भारत में निकली है और अयोध्या में 10 अप्रैल को इसका समापन होगा और उसी में काव्य यात्रा छत्तीसगढ़ आई है और आज गरियाबंद आई है। गरियाबंद में यात्रा का बहुत भव्य स्वागत हुआ है। पहले राजनांदगांव में, धमतरी में, जगदलपुर में, आज गरियाबंद में है, कल रायपुर में है, उसके बाद में शिवरी नारायण, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़ होते हुए यात्रा मध्य प्रदेश को चली जाएगी और आज गरियाबंद में राम जी की काव्य यात्रा पहुंची है। यहाँ के नागरिकों ने बहुत भव्य स्वागत किया है, सबने पलक पावड़े बिछा दिए, हर घर से महिला निकल करके आरती उतार रही है, पुष्पों की वर्षा कर रही है और इसके बाद आज यहाँ पर कवि सम्मेलन होने वाला है जिसमें राष्ट्रीय कवि आए हैं और जो अपनी कविताओं का राम पर आधारित, भगवान श्री राम पर आधारित काव्य पाठ यहाँ होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट।